जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट एक साल से मेरा स्किन बहुत सारे चीज़ों से जा रहा था मार्च 2021 से सो so, एक साल हो चुका है और मेरी स्किन में मैंने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नोटिस किया है ऑल दो मेरा स्किन परफेक्ट नहीं है बिकॉज आई डोंट बिलीव इन परफेक्शन आई बिलीव इन प्रोग्रेस और जो रियल ह्यूमन स्किन है ना वो कैन नॉट बी विदाउट टेक्स्चर मेरे स्किन में भी ओपन पोर्स है फेशियल हेयर्स है मिलिया है हाइपिगमटेशन है एक्ने मार्क्स है एक दो स्मॉल बाम्स है हेयर एंड देयर जो शायद आपको कैमरे में नहीं नज़र आ रहा होगा सो so, अगर आप भी एक्ने या फिर पिम्पल प्रॉब्लम से साफर कर रहे हो तो प्लीज़ बी पेशेंट और उन सारी चीज़ों पे फेथ रखिए जो मेडिकेशन आपके डॉक्टर ने दिए होंगे या फिर आप यूज़ कर रहे हो जो प्रोडक्ट्स आपके लिए काम कर रहा है स्किन के साइंस पर अपना फेथ बना के रखिए मेरा अभी स्किन केयर गोल ये है जो पुराने एक्नेस और पिंपल्स के मार्क्स छूट गए हैं जो डैमेजेस मेरे स्किन में ऑलरेडी हो चुका है उसको रिकवर करना पिंपल मार्क्स और हाइपरपिगमेंटेशन को रिड्यूस करना और अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना और उनको आने से रोकना में छोटे छोटे हैबिटिट्स कई ज्यादा मायने रखता है जैसे कि 20 सेकंड्स के लिए अपने हाथों को काफी अच्छे से वॉश करना मैं सुबह कॉजोरेक्स लो पी एच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर यूज कर रही हूँ एक महीना हो चुका है अमेजिंग फेस फेस वॉश वॉश बेस्ट फॉर फॉर मेंटेनेंस एक्ने प्रोन स्किन आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है लो पी एच है अमेजिंग रिफ्रेशिंग स्मेल है लिटिल बिट ऑफ बी एच एड किया है तो आपके पोर्स को क्लियर आउट भी करेगा मैं ऑलरेडी एक वीडियो बेस्ट फेस वॉश के ऊपर अपलोड कर चुकी हूँ तो डेफिनेटली उसको चेक करना और एंड ऑल्सो मैं एक मिनट के लिए अपने फेस को मसाज करती हूँ मेरे फेस वॉश से एंड देन मैं नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ और ये है मेरा हैक जो मैं हमेशा करती हूँ मेरे लिप्स में जो डेड स्किन सेल्स बचा हुआ है उसको मैं अपने फिंगर टिप्स से रिमूव कर लेती हूँ सो दैट इज़ इट मैं नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं ये लॉन्ग टर्म फॉलो कर रही हूँ एक ओल्ड कॉटन टी शर्ट से क्लीन टी शर्ट से अपने फेस को पैड ड्राई करती हूँ मैं करेंटली ये वन थिंग एजियाटी का एक्सट्रैक्ट यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मैं अपना ट्रेटिनोइन को वीक में फोर टू फाइव टाइम्स यूज कर रही हूँ उसकी वजह से मेरे फेस में काफी ज्यादा रेडनेस और सेंसिटाइजेशन हो रहा है स्पेशली इन द मॉर्निंग और ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा कामिंग एंड सूदिंग है और मैं इसको कभी कभी हाथों में कुछ ड्रॉप्स लेके अपने स्किन में डैब करती हूँ या फिर स्प्रे कर लेती हूँ जितना टाइम मुझे ज़रूरत पड़ता है उसके बाद सीधा मैं चली जाती हूँ मेरा विटामिन सी सिरम पे मैं ये क्लेयर्स का विटामिन सी सिरम लास्ट छः महीने से यूज़ कर रही हूँ मैंने ये सेकंड बॉटल ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है मैंने एक ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है इसमें प्योर एलास्कोबिक एसिड है फाइव परसेंट एंड मैं इसको एसेंस से भी पहले यूज करती हूँ बिकॉज एलास्कॉबिक एसिड का कुछ पेनिट्रेशन इशूज़ है और मैं इसका ये विटामिन सी डेरेविटि यूज़ करती हूँ दैट्स वाई मैं तो इसको ऑलमोस्ट फर्स्ट स्टेप में यूज़ करती हूँ अगर मैं सेंटेला सिंटेलाइजियाटिका ना यूज करूँ तो और ये प्रोडक्ट मेरे लिए काफी ज्यादा काम कर रहा है नॉट इरिटेटिंग ऑन माई स्किन ऑल मैं मेरा विटामिन सी का परसेंटेज अपग्रेड करने वाली हूँ इन लेटर मान्थ अगर आप दूसरा कोई विटामिन सी डेरिवेटिव यूज कर रहे हो तो उसको टोनर और एसेंस के बाद यूज कर सकते हैं

प्राइस है नाइन फोर्टी फाइव रुपीज़ और ये मेरे लिए सेवन टू एट मंथ लास्ट कर जाएगा दैट्स आय मॉर्निंग स्किन केयर में मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ मैं यूज़ करने वाली हूँ मेरा होली ग्रेल कॉजरिक्स 96 सिक्स नेल म्यूसिन एसेंस आई लव दिस प्रोडक्ट मेरा ये सेकेंड बॉटल चल रहा है मैंने ऑलरेडी मेरा थर्ड वन ऑर्डर कर दिया है ये सुपर हाइड्रेटिंग सूदिंग एंटी एजिंग ऑल्सो आपका जो हाइपर पिगमेंटेशन है मार्क्स है उसमें भी काम करेगा आपको एक सुपर नाइस ग्लो भी देगा बेस्ट फॉर ड्राई डिहाइड्रेटेड स्किन आपके स्किन में अगर कोई भी सेंसिटिविटी है उससे आपको इमीडिएट रिलीफ देगा मैं इस प्रोडक्ट को आगे परचेस करती ही रहूंगी आई नो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा कॉस्टली है बट ये आपके लिए एक बॉटल लंबा लास्ट करता है मैं तो इसको सिर्फ थ्री टू फोर पम्प मैक्सिमम यूज करती हूँ फॉर माई फेस एंड नेक एज समर मंथस आ रहा है मैं लाइट बैरियर रिपेयरिंग मॉइस्चराइजर यूज़ करना ज़्यादा पसंद कर रही हूँ मेरा करंट दो फेवरेट है एक है एटूड हाउस सुन यंग इमालसन दूसरा है मेनेमल सेरामाइड एंड मैडिक एसोसाइड बैरियर रिपेयरिंग जेल ये दोनों मॉइस्चराइज़र ही अगर आपके फेस में कोई इन्फ्लेमेशन रेडनेस है तो उसको रिड्यूस करने में काम करने में मदद करता है और मैं बताऊँ तो ये एटूज हाउस वन थोड़ा ज़्यादा अफोर्डेबल है बिकॉज वन ट्वेंटी एम एल ऑफ़ पैकेजिंग ऑन अ कॉस्ट यू ट्वेल्व फिफ्टी रुपीज़ अगर मैं सेम क्वांटिटी का मिनिमलिस्ट का बात करूं तो वो आपको कॉस्ट करेगा अराउंड टू थाउजेंड फोर हंड्रेड रुपीज़ सो so, अगर मेरा स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फील कर रहा है तभी मैं मिनिमलिस्ट वन यूज़ करती हूं या फिर दोनों को साथ में भी यूज़ कर लेती हूं एंड फॉर माई लिप्स आई एम ओनली यूजिंग वैसलिन सिंस लास्ट थ्री मंथ्स बिकॉज ये आपके लिप्स में कोई भी इरीटेशन नहीं कॉज करता है परफेक्ट ऑक्लूसिव है आपके लिप्स को ड्राई चैप्ड नहीं होने देता है So, ये था मेरा सारा जो स्टेप्स इसके बाद आता है इम्पॉर्टेंट थिंग जो है प्रोटेक्शन सन प्रोटेक्शन मैं अभी बहुत सारा सनस्क्रीन ट्राई कर रही हूँ मैं दोनों आपको वीडियो में शो कर रही हूँ एक है मिनिमलिस्ट मल्टी विटामिन वन और दूसरा है रिक्विल अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल ये मेरा रीप है इसका जो सिलिकोनी ड्राई मैटे फिलिंग है मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये फिनिश जब मैं घर के बाहर जाती हूँ मैं जनरली कभी कभी ये सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ मैं घर में जब रहती हूँ उतना सनस्क्रीन मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि मेरे घर में उतना मेरे रूम में सन नहीं आता है दैट इज़ द रीज़न बट मैं अगर बाहर जाती हूँ मैं डेफिनेटली इतना ज़्यादा क्वान्टिटी सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ

जो सनस्क्रीन मेरे फिंगर टिप्स में बचा कुचा होता है वो मैं अपने लिप्स में डैब कर लेती हूँ मैं कोई भी अलग से सनस्क्रीन वाला लिप बाम नहीं यूज़ करती हूँ सो दैट्स इट माय मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल तो फिर एक लाइक डेफिनेटली कर देना और यह है मेरा स्किन आठ घंटे बाद स्किन केयर रूटीन करने के बाद सो so मुझे इंस्टाग्राम पर डेफिनेटली फॉलो करना है मैं वहाँ पर बहुत सारा स्किन केयर अपडेट्स देती हूँ सो so आज के वीडियो के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय लव यू ऑल